अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर खदीजा। आज हम काउंटडाउन की बुक का काम करेंगे। सबसे पहले इसे खोल लेते हैं और देखते हैं हमने आज कौन सा पेज नंबर करना है। आज हम करेंगे पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 में क्या है, ट्रेस एंड राइट फोर। ठीक है, ट्रेस करना है और लिखना है फोर। पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या लिखते हैं, डेट। डेट लिख लेते हैं, आज क्या डेट है, 10 September 2020। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट फोर लिखना है। ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेस एंड राइट फोर, ट्रेस करना है और फोर लिखना है। पहले ट्रेसिंग कर लेते हैं और साथ साथ पढ़ लेते हैं, फोर 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 फोर। अब देखें यहाँ पर ट्रेसिंग नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे लिखना है। ये थ्री लाइंस आपको नजर आ रही हैं ऑरेंज कलर की। ठीक है, ये पहली वाली लाइन से शुरू करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। वो स्ट्रेट लाइन इस दूसरी वाली ऑरेंज लाइन के थोड़ा सा नीचे होगी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके हमने रुक गए। ठीक है, मैंने अपनी पेंसिल को, पेन को जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आपने तो पेंसिल यूज़ करनी है, इसे रोक लिया। इसके बाद यहीं से एक सीधे हाथ की तरफ लाइन बनाई। ठीक है, बना ली। इसके बाद ये ऊपर वाली जो सबसे पहली ऑरेंज लाइन थी, इससे थोड़ा सा दूर करके हमने एक और लाइन बनाई। वो लाइन इस तीसरी ऑरेंज लाइन के ऊपर आके रुक जाएगी। ठीक है, ये क्या बन गया, फोर। इसी तरीके से आगे भी हम लिखेंगे फोर, कैसे, सीधी लाइन, फिर ऐसे उसे आगे एक और सीधी लाइन बनाई, यहाँ पर आके छोड़ दिया। फिर पहली ऑरेंज लाइन से थोड़ा सा फासले पर एक दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और उसे तीसरी वाली ऑरेंज लाइन पर लाकर स्टॉप कर दिया। ये क्या बन गया, फोर। अब हम खुद लिखेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, फोर 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 जितने लिखने थे हमने इन टू लाइन्स पर हमने लिख लिए हैं। इसके बाद नीचे देखें यहाँ पर लिखा है कलर। अब हमें करना है कलर। उससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट लिखी हुई है, वो पॉइंट पढ़ लेती हूँ। आपको ये याद नहीं करनी, सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, फोर पैरट्स पैकिंग एट कैरेट्स, फोर ग्रीन पॉली पैरट्स पैकिंग एट कैरेट्स, जूसी एंड रेड, अप एंड डाउन एंड राउंड अबाउट, दे लुक वेल फेड। ठीक है, ये पोइम है छोटी सी। अब कलर कैसे करने हैं, जैसे ऊपर यहाँ पर बने हुए ना पैरट्स और कैरेट्स बनी हुई हैं, ठीक है, ऐसे ही सेम हम कलर करेंगे। ऑरेंज जहाँ पर लाइट ग्रीन है वहाँ लाइट, जहाँ पर डार्क ग्रीन है वहाँ डार्क ग्रीन, इसी तरीके से हम कलर करेंगे। ठीक है, पहले मैं निशान लगा देती हूँ, फिर हम कलर कर लेते हैं। ठीक है, ये पैरट हैं, पैरट की चोंच पर कैसा कलर होता है, रेड। सबकी चोंच पर पहले रेड कलर के निशान लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद पैरट पे यहाँ पर इसके परों पर इसी लाइट ग्रीन कलर को थोड़ा दबा के तेज करेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे ऊपर किया हुआ वैसे, और इसका ये जो पेट वाला हिस्सा इसे हल्का करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का। एक पर मैं करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे निशान लगा लें कि हल्का हल्का यहाँ पर भी लाइट ग्रीन कलर करना है। ठीक है, इसके बाद नीचे कैरेट है। कैरेट आपको पता है कैरेट कौन से कलर की होती है, ऑरेंज। यहाँ पर ऑरेंज कलर करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर भी चारों कैरेट्स पे ऑरेंज कलर, और यहाँ पर देखें इनके पंजों पर भी इन्होंने ऑरेंज कलर किया हुआ है। इस पर भी ऑरेंज निशान लगा देते हैं ताकि फिर हम आराम से कलर कर लें। उसके बाद इनके लीव्स पर, कैरेट्स के लीव पर डार्क ग्रीन कलर, इनके लीव्स पर डार्क ग्रीन कलर करेंगे, ठीक है, डार्क, ताकि फ़र्क पता चल जाए। पैरेट में भी ग्रीन ही किया है ना, तो एक जगह हम लाइट ग्रीन यूज़ करेंगे और एक जगह डार्क ग्रीन। चलें अब हम कलर कर लेते हैं। ये देखें हमने कलर कर लिए हैं। पेज नंबर 21 में जितनी भी ये 4 पिक्चर बनी हुई थी हमने इनमें कलर कर लिए। कैसे कलर किए हैं, जैसे ऊपर दिए हुए थे, ठीक है। इन्होंने इसके बाद क्या करना है अब मैं आपको बता देती हूँ। आपका होमवर्क क्या है, पेज नंबर 14 नज़र आया आपको, ये पेज नंबर 14 लिखा हुआ है, ये आपका होमवर्क है। आप यहाँ पर लिखेंगे डेट, क्या डेट लिखेंगे, 10th September 2020। यहाँ पर लिखेंगे H.W, H फॉर होम, W फॉर वर्क, होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, आपने ये करना है और करके इसे डिस्कशन बॉक्स में पोस्ट करना है, ठीक है। आज हमने किया है पेज नंबर 21। उम्मीद करती हूँ आपको आज का काम पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।